दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारिल बात कर रहा हूँ। हम आज बात कर रहे हैं कि वास्तव में पैसे कमाने का की फिलॉसफी क्या होती है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जैसा पहले आप समझ चुके हो, मैं बात भी आपसे कई बार कर चुका हूँ कि पैसे कमाने के लिए आपको अपने आप को लिवरेज करना होगा। अगर आपने अपने आप को लिवरेज कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। लेकिन पैसे कमाने के साथ एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट होती है, और वो ये है कि क्या सारी इनकम मुझ पर ही डिपेंडेंट है। मतलब मेरी एबिलिटी अगर 100% है तो मेरी इनकम 100% है, और अगर मेरी एबिलिटी 99% होगी तो इनकम जीरो हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा अपने आप के साथ एक बार अपने गलेबान में झांक कर देखिए, जो भी आपके इनकम सोर्सेज हैं, आप चाहे जॉब में, चाहे आप प्रोफेशन में, चाहे आप बिजनेस में हैं, क्या वो सारी इनकम आपकी अपनी एबिलिटी पर डिपेंडेंट है? अगर है तो जिस दिन चिराग बुझ गया उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। अभी हाल ही में एक टेनिस प्लेयर चला गया इस दुनिया से। कितना बड़ा टेनिस प्लेयर था, कितना बड़ा उसने पैसा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली उसकी जो सक्सेस, उसकी जो सफलता थी, उसकी एबिलिटी पर डिपेंडेंट थी। सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसकी फैमिली और उसके बच्चों को अब भी इनकम आएगी? ये जाने दीजिए कि उसने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, वो इकट्ठा कर लिया, जो पैसा वो पैसा उसका काम आता रहेगा। इकट्ठा किया हुआ पैसा तो राजा महाराजाओं का काम नहीं आया, और आप और हमारी बात हम क्या करें। मुद्दा इस बात का है कि आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं कि वो उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, वो गिर गया। आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं कि उसके पिताजी को कैंसर हो गया, उम्र 45 साल थी, और अब वो इस दुनिया से जाने की तैयारी में हैं, और उसके घर वाले उसके जाने की टेंशन से ज्यादा टेंशन उनको ये होती कि हमारा घर कैसे चलेगा। जरा अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को उनके जूते में पैर डाल के देखिए, कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर हमारा हो। हम दूसरे से सीख सकते हैं, हम दूसरे से समझ सकते हैं, और हम ये जान सकते हैं कि वास्तव में क्या चीज है। मैं आपसे कहता हूं कि पॉल जेन पिल्जर, जो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं, जो दो पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट के आर्थिक सलाहकार रहे हैं और अनलिमिटेड वेल्थ पुस्तक के लेखक रहे हैं, और 2012 में मैं उनसे हिंदुस्तान में मिला था, बहुत हमारी उनसे पर्सनल बात थी, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि पिछली 2 शताब्दियों तक आर्थिक अवसर और भारी आमदनी उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में थी, पर अब हमने वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के युग में कदम रख लिया है। आज समृद्धि पाने के लिए सर्वाधिक अवसर इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बौद्धिक वितरण यानी नेटवर्क मार्केटिंग में है। हम इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जमाना चला गया, अब पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है। जो मैन्युफैक्चर है वो पैसा नहीं बना रहे हैं, अब पैसा बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग। अब लोग पैसा बना रहे हैं रिटेल में, लोग पैसा बना रहे हैं बिग बाजार जैसे, जो रिटेल मॉल खुल गए वो पैसा बना रहे हैं, शॉपर स्टॉप जैसे लोग पैसा बना रहे हैं। लेकिन शॉपर स्टॉप में जो मैन्युफैक्चरर अपने सामान दे रहा है उतना पैसा नहीं बना रहा होगा जितनी ये लोग पैसा बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा हो गया है, और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप काम करते हैं, अब तो मैन्युफैक्चरिंग बनती है एक्चुअली में तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और वो लोग सिर्फ वास्तव में तो मजदूरी कर रहे होते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में जो आदमी है, जो मार्केटिंग के फील्ड में जो व्यक्ति है, असली काम और असली पैसा तो वो व्यक्ति बना रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जिसे हम तीसरी भाषा में कहते हैं एक रियल सही ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग MLM की। लोगों ने इसकी परिभाषाओं को गलत समझ रखा है, लोग इस चीज को गलत समझते हैं, लोग इसके मामले में समझ नहीं पाते हैं। कल ही मुझे कोई व्यक्ति मिला और उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं आजकल, मैं आपको बहुत देख रहा हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे। जो मैंने उसको बताया तो उसका मुंह थोड़ा सा सुखड़ गया कि अच्छा आप भी MLM में। मैंने कहा हाँ, तुम क्या समझते हो? बोलता मैं तो समझता हूँ कि ठीक बिजनेस नहीं है। मैंने कहा यही गलती तुम्हारी कि तुम इसे ठीक नहीं समझते हो। और जब 10 मिनट मैंने उससे बात की तो उसकी आंखों में चमक थी, और वो लगता था नहीं आप मुझे बताइए मैं कब बैठूं आपके साथ। मैंने कहा भी मेरे पास समय नहीं, अगले हफ्ते बैठूंगा। फिर मैं भी क्यों बताऊं इतनी जल्दी? अब लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब जो आप अभी तक समझ रहे हैं वो चीज ऐसी नहीं है, और वो चीज में आपको
असली चीज समझनी होगी, 20 साल हो गए डायरेक्शन इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में, और अब चीजें बदल की जा रही हैं और समय परिवर्तित होता चला जा रहा है। लोगों को इस बात के मामले में समझना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में एक इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है, और हम एक इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आपसे कर रहे हैं। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो शेयर किया है या जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं या किसी को आप जानते हैं, उनसे पूछिए कि मुझे बताइए ये इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स क्या है, उससे पूछिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एक फिलोसॉफी है, एक साइंस है, एक तरीका है जिसमें आप बहुत सारा पैसा बनाते हैं और आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिनको आप चाहते हैं, अगर वे चाहें तो वे भी आपके साथ उतना पैसा बना सकते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाले हैं लेकिन वे अपनी बहन को अम्मी नहीं बना सकते, वे बहन को 100 करोड़ गिफ्ट दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, पर उसे एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते। लेकिन आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो पावर है कि अगर किसी व्यक्ति के आप उनका हाथ पकड़ लें और वो भी अगर तैयार है तो आप उसे एक एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जब वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो आप जितना पैसा बना रहे हैं, आप पैसा बनाएंगे वो व्यक्ति भी उतने पैसे बनाने लगेगा और जीवन भर आपको इस बात के लिए याद करेगा कि आपने मुझे एक सही चीज बता दी और आपने मेरी मदद की है इस चीज को अचीव करने के लिए और मैं इसको करने को तैयार हूं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं पिछले 2 दिन पहले मिला एक ऐसे व्यक्ति से जो हमारी टीम में है, वो कैब चलाता था, कैब ड्राइवर है हैदराबाद में, और जब वो 6 महीने तक उसने अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनी, नहीं मानी कि यार ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं करूंगा, ये सब फर्जीवाड़े हैं, फंसाने के चक्कर हैं, इसमें पैसे उलझ जाते हैं। उसने सिर्फ इतना सा कहा कि तुम से अपने ब्रांड को चेंज कर लो, और उस व्यक्ति ने अब लगभग उसको कोई 1.5 साल हुआ होगा, उस कैब ड्राइवर की इनकम लगभग 2.25 लाख रुपए महीने की हो गई है, उसने अपनी गाड़ी खरीद ली है, वो अब ड्राइवर रखने की तैयारी में है। क्या होगी कैब ड्राइवर के बारे में आप समझ सकते हो, वो एक सक्सेसफुल है। मैं मिला एक ऐसे डॉक्टर से, मैं मिला अभी पिछले हफ्ते एक ऐसे डॉक्टर से जिनके पास में दुनिया भर की डिग्रीज हैं, जो दुनिया भर के जिनके पास में पेशेंट्स की लाइन है, और वो सिर्फ हमारे बिजनेस में इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर एक रेजिडुअल इनकम है, वो सक्सेसफुल है, हम बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। हम ऐसे लोगों से भी मैं मिला जो हमारी टीम में ही हैं, जो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि उनके पास 6 तरह की तो डिग्रियाँ हैं, और रात को 8 बजे से बिजनेस शुरू करते हैं, 9 बजे से शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि उसके पहले उनको अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में रहना पड़ता है। और आज वो उनकी इनकम 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ की हो गई है सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर। इतने सारे लोग हैं, तो एक अगर कैब ड्राइवर भी बिजनेस को बिल्ड कर सकता है और एक साइंटिस्ट और डॉक्टर भी कर सकता है, तो हम और आप तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हैं। ये बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं, ये पूरे बिजनेस में अभी वेस्टीज ने शुरू कर दी है, 7 कंट्रीज, हम लोग 7 कंट्रीज में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। आप कल्पना करो कि किसी दूसरी कंट्री में कोई व्यक्ति अगर टूथपेस्ट कर रहा होगा, हिंदुस्तान में आपके पास पैसा आ रहा होगा, और उस दूसरी कंट्री के व्यक्ति को भी अपॉर्चुनिटी है कि वो हिंदुस्तान में अपने लोगों को स्पॉन्सर कर चुके। हम बहरीन काम कर रहे हैं, ओमान काम कर रहे हैं, दुबई काम कर रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, आप सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ कितना कितना काम हो गया है, और पूरा वेस्टीज तैयार है 20 कंट्रीज में जाने के लिए 1 साल के अंदर। अब बारी आपकी है कि आप कितने तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने ब्रांड को चेंज करने की, जी हाँ, पर आप अपने ब्रांड चेंज नहीं करेंगे कब तक, जब तक आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं होगी। कब तक नहीं चेंज करेंगे, जब तक आपके पास एक पेनफुल ड्रीम नहीं होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा अपने ब्रांड चेंज कर लो, अपने प्रोडक्ट चेंज कर लो, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि भाई साहब मैं क्यों चेंज कर लूं, तो मैं ही कहूंगा ना कि आपको बताइए, आपको पैसे कमाने हैं, बताइए आपको जिंदगी में ऐसी कोई चीज है जो आज तक आपको नहीं मिली और आपको चाहिए। कमिटमेंट नहीं है कि हम और आप मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर आप और हम दोनों मिलकर अगर एक दूसरे को पसंद करें और हमने अगर एक दूसरे के साथ हमने कंफर्टेबल फील किया, तो हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो शेयर किया है, जिसने आपको ये नंबर भेजे हैं, या जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं जिन लोगों के साथ जो आपके कनेक्शन में हैं, जरूरी नहीं है कि आप और वो साथ में काम करें, उन्हें भी कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ सीरियस, कुछ कमिटेड लोगों की जरूरत है। और अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर और आप सीरियस हैं उसको काम करने के लिए,
तो मिलिए, तुरंत मिलिए, तुरंत बात करिए लोगों से। हजारों लोग रोज इस बिजनेस में आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया और इस बात को ये महसूस हो गया कि इस बिजनेस को किया जा सकता है। दोस्तों, मार्केट की कंडीशन आप देख रहे हो, बिजनेस की हालात आप देख रहे हो, लेकिन हम तो ग्रो कर रहे हैं, वेस्टीज तो ग्रो कर रही है, विनिंग टीम के लीडर्स तो लगातार ग्रो कर रहे हैं। इस बात के लिए क्योंकि हम जिस बिजनेस में, वो तो आदमी की जरूरत है, वो तो आदमी की मजबूरी है और वो काम तो होता है। मैं कुछ चीजें आपको और शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस में क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है। देखो, हेनरी डेविड थोरियू ने कहा है कि केवल व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं, पर क्या मिलता है उन्हें? सोचें, हम व्यस्त हैं, कहीं निरर्थक व्यस्त तो नहीं है? ये सोचने की जरूरत है कि हम कहीं फोकट में व्यस्त तो नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हम 10,000 रुपये कमाने में इतने बिजी हैं कि हमें 10,00,000 रुपये कमाने की फुर्सत नहीं है। ओह माय गॉड, सोचने की जरूरत है आपको, इस बात को देखने की जरूरत है कि वास्तव में क्या ये बिजनेस हमारे लिए है, हम क्या कर सकते हैं। दोस्त, ये बिजनेस से पैसे कमाने के लिए नहीं है, रिकॉग्निशन है, सेलिब्रेशन है। और सफलता के मायने तो मैं ये मानता हूँ कि जब आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए तो समझ लेना कि आप सफल हो गए और आप सेलिब्रिटी बन जाएं। योर सिग्नेचर बिकम ऑटोग्राफ, और लोग आपके पास खड़े हों आपकी सेल्फी लेने के लिए और आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए। जी हाँ, ये इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है, ये यहाँ संभव है, यहाँ हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। तो आपको सीरियसली देखने की और समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। और ये मत सोचिए मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तकलीफ ये होती है कि लोग खुद ही प्रश्न कर लेते हैं, लोग खुद ही उत्तर दे देते हैं, लोग खुद ही प्रश्न कर लेते हैं कि हो पाएगा कि नहीं, लोग खुद ही प्रश्न कर लेते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, और जानने की कोशिश किए बिना छोड़ देते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या है इसमें जो आप नहीं कर पाएंगे। इसे हम टीम वर्क कहते हैं, और टीम वर्क का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। आप में कुछ क्वालिटीज हैं, दूसरे में कुछ और क्वालिटीज हैं, आप में कुछ डिसक्वालिटीज हैं, दूसरे में कुछ और डिसक्वालिटीज हैं, लेकिन जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो क्वालिटी क्वालिटी रह जाती है और डिसक्वालिटी खत्म हो जाती है। ये टीम वर्क है। जैसे क्रिकेट एक टीम वर्क होता है और शतरंज एक इंडिविजुअल मैच होता है। आप अगर शतरंज खेल रहे हैं और आपके पेट में अगर दर्द हो गया तो आप मैच हार जाएंगे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर मेरी टांग टूट भी गई तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खड़े खड़े बल्ला घुमाते रहिए, रन लेने वाला कोई और आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप के पास कोई पेनफुल ड्रीम है, एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसी वजह। और दुनिया में आज तक जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो वही लोग सक्सेसफुल हुए हैं जिनके पास एक ड्रीम है, एक वजह है। और जितना बड़ा ड्रीम होगा आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी, जितना पेन होगा सफलता उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो आदमी फिर अनस्टॉपेबल बन जाता है, वो आदमी फिर अपनी खाल में से बाहर निकल जाता है, उसके पास जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होते। क्योंकि अगर चैलेंज बहुत बड़े हैं तो समझ जाना कि आपका ड्रीम बहुत छोटा है, और ड्रीम अगर बहुत बड़ा है तो चैलेंजेस मायने नहीं रखते, पता भी नहीं चलते कौन से चैलेंजेज हैं। और इसके उदाहरण हम रोज सुबह शाम अपनी जिंदगी में देखा करते हैं, हमें समझ में आते हैं, हम आपसे सच कह रहे हैं, हम एक मिशन में हैं, और ये मिशन है लोगों के सपनों को पूरा करने का। हम आपके साथ हैं, ये पूरी टीम आपके साथ है, वेस्टीज आपके साथ है, विनिंग टीम आपके साथ है, और जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है, वो वीडियो भेजा है, वो व्यक्ति आपके साथ है। बस इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, वरना 5 साल बाद आप ये कहेंगे कि मौका तो मेरे पास भी आया था पर मैं सोचता रह गया और समय निकल गया। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास ये समय निकले, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस बात को कहते रहें कि यार मौका मेरे हाथ से निकल गया और मैं कर नहीं पाया। यह एक ट्रेनिंग का बिजनेस है, लोग यहाँ सीखते हैं, लोग ये सिखाते हैं, लोग समझते हैं और समझाते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको राइट बिजनेस, राइट अपलाइन टीम के साथ, राइट कंपनी के साथ, राइट प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करना होगा। वेस्टीज इस वक्त पूरी देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई कंपनी है, जो हिंदुस्तान से बाहर जाके अपने पैर पसार रही है। विनिंग टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, बहुत यूनाइटेड कमिटेड अपने लोगों के लिए हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। और व्यक्ति जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, लिंक भेजा है, और वो व्यक्ति जिस आपके लिए तैयार है, क्योंकि उसे कुछ लोग ऐसे चाहिए जिनकी वो मदद कर सके और वो अपने आपको सक्सेसफुल कर सके। देखिए बिजनेस कितना गजब का है कि एक व्यक्ति अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए उसे कुछ लोगों की मदद की जरूरत है, कि उसे कुछ लोगों को वो मदद करे। कुछ लोगों की मदद की जरूरत मतलब कुछ लोग उसी मदद करें, ऐसा नहीं,
वो कुछ लोगों की मदद करे तो सक्सेसफुल बनता है। ये कितना गजब का कंसेप्ट है। बस इसी पे मैं सोल्ड आउट हूं मैं कि एक व्यक्ति अगर 5-7-10-12 लोगों की मदद करता है तो वो अगर सक्सेसफुल होते तो ये सक्सेसफुल होता है। और इनको अगर सक्सेसफुल होना तो इन्हें भी कुछ लोगों की मदद करनी होगी, इन्हें भी सक्सेसफुल होना तो कुछ लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो ये तो बिजनेस मदद का और हेल्प का बिजनेस है। ये गलत और खराब कैसे हो सकता है? ये चीटिंग का बिजनेस नहीं है, ये बेचने का बिजनेस नहीं है, माल को बेचने का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप डेवलप करने का बिजनेस है, ये ड्रीम का बिजनेस है, लोगों की मदद करने का बिजनेस है, लोगों को एम्पावर करने की का बिजनेस है। और ये हम ये एम्पावर करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि एम्पावरिंग पीपल टू रियलाइज देयर ड्रीम। यहाँ सफलता की लाइन लगी पड़ी है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए विनिंग एटीट्यूड एक ये बुक है, ये सफलता की कहानियां इसमें है, द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द चैंपियंस। चैंपियंस की सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप बहुत सारे लोग हैं जिनकी सक्सेस कहानियां इसमें हैं। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है सफलता की लिस्ट में। गजब की बात तो ये है कि हमें आपको समझाना पड़ रहा है आप सफल हों, हमें आपको बताना पड़ता है कि आप आगे बढ़े। हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे लोग तैयार हैं मदद करने के लिए, लोग तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए, इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। आइए हम आपके साथ हैं। आपको जानना है ये बिजनेस क्या है, आप जानना चाहते हैं कि आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप सफलता की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे एक दिन आप पर गर्व करें कि यस मेरे पेरेंट्स ने कुछ कर दिखाया, तो आइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके माँ बाप एक दिन आप पर गर्व करें कि मेरे बेटे ने कुछ कर दिया, आप अगर चाहते हैं कि आपकी वाइफ ही कहे कि यस वी डिड इट, अगर आप ये बच्चे कहें कि पापा आई लव यू, तो एक बार सुनिए उस व्यक्ति की बात जिसने लिंक आपको शेयर किया है। सुनिए उस व्यक्ति की बात जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आओ साथ बढ़ें, मिलकर हम एक बड़ा काम करें। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।